बोला सरकार का करतबा इस समस्या। अच्छा नहीं तो इसका दोषी आप अपने प्रधान को मानते हैं या पीएम नरेंद्र मोदी को मानते हैं? नहीं नरेंद्र मोदी तो करते हैं तो, लेकिन प्रधान के दोषी तो मनाई जाइयो का कि यहाँ प्रधान दोषी हैं। नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो वो विकास की धारा यहाँ बही है या नहीं? नहीं भैया वो विकास की धारा तो नहीं बही है। सांसद जी अगर नहीं आती हैं कभी किसी के दुख सुख में, तो जब जनता का वोट देने का टाइम आएगा 2024 लोकसभा चुनाव, तो क्या लग रहा है कि जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी? बाबू वही होगी जो नहीं चाहिए। हाँ हम आपका कुछ नहीं करेंगे तो आप दोबारा कैसे होंगे? लेकिन हमारा रिक्वेस्ट आपसे है कि रोजी रोजगार होना चाहिए। वो बच्चे हम लोगों के सब जवान हैं, वो बेकार घूम रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, खाली शिक्षा को बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, है? गेहूँ देने से क्या फ़ायदा हमको? सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो है रोजगार के ऊपर ध्यान दे सरकार, और तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है जी। तो 2024 में क्या रोजगार एक मुद्दा बनेगा सरकार के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है भैया, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा वर्ग हमारी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। सरकार कोई भी आती है क्या कर रही है उससे हम लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी हमको रोजगार चाहिए, जो जो सरकार हमें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी हम पूरा वोट इसी को देंगे। थैली में प्रधान के चला जाए, थैली में हर ब्लॉक पे चला जाए, और बाद में 15,000 अपन सफाई कर्मी के थैली में चला जाए, और जेकर दुआरा मोहारा है एकदम अपने दुआरे अपन फरुहा से साफ करे अपन नाली। तो इस वक्त हम मित्तुपुर बाज़ार में हैं और यहाँ पर हम लगभग लगभग सभी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस इलाके की मूलभूत जो सुविधाएँ हैं क्या वो उन तक पहुँच पा रही हैं। लेकिन लोग यहाँ परेशान हैं छुट्टा पशुओं से। अच्छा। और नील गाय से। अच्छा। टोटल फसल बर्बाद कर दे रहे हैं ये सब। रात का रात जगता है तो वो नींद आ गई खा गए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। मतलब रात में किसान सो नहीं पा रहे ठीक से। अभी अपनी खेती बचाते हैं क्या करें, अब जो बोते हैं वो वही खा जाते हैं तो किसान तो ऐसे मर जाएगा बेचारा। और जो सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, वो इस इलाके में सफल है या नहीं है? यहाँ विकास हो रहा है? नहीं विकास यहाँ देख लीजिए, ये पाइपलाइन बैठी हुई है और आज तक इसमें पानी नहीं आया, वहाँ से लेके वहाँ तक जो है 10 फीट का लेंथ नहीं बचा है जो रिपेयर नहीं हुआ। अच्छा। आए दिन कहीं कहीं खुदाई होती रही, मतलब पाइप पड़ भी गई है और रिपेयर भी हो रही है पर पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा लेकिन अभी कहीं पानी नहीं पहुँचा। और रिपेयरिंग भी होती रहती है? रिपेयरिंग तो डेली गड्ढा खोदता है यहाँ, यहाँ से वहाँ तक पूरा गड्ढा जो है खोदते रहते हैं, रोज रिपेयर करते हैं, रोज लीकेज रहता है। तो पानी की समस्या इसके अलावा भी है जैसे हैंडपम्प वगैरह लगे हुए हैं सरकारी की? नहीं सरकारी नहीं, लोग अपना बनवाए हैं। अच्छा। अब कहीं कहीं जैसे ये सरकारी लगा हुआ है तो बहुत पहले का लगा हुआ है, अब कहीं ख़राब हो जाता तो यहाँ मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं आता। अच्छा। लोग अपना पैसा लगा के तब जो है मेंटेनेंस करवाते हैं, वही ज़रूरत है उनको पानी। अच्छा यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात करें तो क्या यहाँ के जो सांसद हैं यहाँ के जो विधायक हैं वो जनता से मिलने के लिए इस क्षेत्र में कभी आते हैं या नहीं आते हैं? देहातों में तो नहीं जाते, मार्केट में कभी आ गए 6 महीना साल भर में तो आ जाए, नहीं तो भी नहीं। सांसद कौन है यहाँ पे? संगीता आजाद जी है वही है। अच्छा। तो वो साल 6 महीने पे एक बार आती हैं यहाँ पे? अरे मेरे समझ से जब से जीत के गई हैं वो तब से चेहरा नहीं देखा कोई उनका। तो वोट मांगने का टाइम तो फिर आ गया 2024, तब तो अभी करेंगे। तब जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी? जनता की प्रतिक्रिया वही होगी जैसा वो किए हैं वैसा बताएगा और क्या करें भाई। जब आपकी वोट मांगना हुआ तो दौड़े चले, तब डेली कोई मार्केट जिस दिन रहेगी वो नहीं बचेगी, यहाँ पहुँची रहेंगी। किस पार्टी से हैं वो? बीजेपी से। बीजेपी से हैं वो कि बसपा से हैं? यहाँ के सांसद बीजेपी से हैं या बसपा से हैं? ये हाँ बसपा से हैं भाई, मुझे जानकारी थी। कहाँ से हैं? बसपा से ना। हैं कभी मिलने के लिए? कभी भी नहीं आई हो ना, कभी नहीं आई है। और झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। जब वो जीती थी तो ही मंदिर पे एक बार हमको यकीन आई थी या वोट के टाइम आई, इसके बाद बाबू आई नहीं आज तक, न कोई हम लोगों को वेलफेयर है उसकी तरफ से। हमारे बल्कि जो संसद नहीं है वो
पुराने वाले यादव जी हैं रमाकांत, वो महीना में कुछ न तो अगर हैं तो यहाँ दुख सुख में सबके यहाँ। विधायक जी नहीं, सांसद जी, यहाँ के सांसद तो संगीता आजाद, संगीता आजाद हैं, वो कभी नहीं आई। जो हमारे, हम लोग संसद बोलते हैं विधायक को, रमाकांत यादव जी को, वो जो जेल में हैं, वो जो है रहते हैं तो यहाँ महीना में वो नहीं टलता। और हमारे इस एरिया में दुख सुख में कोई भी मरे, कोई भी दिक्कत हो तो वो जरूर आते हैं घर वापी सबके। अच्छा, सांसद जी अगर नहीं आती हैं कभी किसी के दुख सुख में, तो जब जनता का वोट देने का टाइम आएगा 2024 लोकसभा चुनाव, तो क्या लग रहा है कि जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो बाबू वही होगी जो नहीं चाहिए। हाँ, हम आपका कुछ नहीं करेंगे तो आप दोबारा कैसे होंगे? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जनता के हित की बात करती है? जिस, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि उसका विकास जो दिल्ली से चलता है वो यहाँ पहुँच पाया है कि नहीं? देखिए ऐसा बाबू, यहाँ बहुत गरीबी है, यहाँ बहुत गरीबी है, सब बहुत परेशान है। कहने की जनता कहती है, वो सरकार कहती है हमने ये वेलफेयर किया, वो वेलफेयर किया, यहाँ कोई वेलफेयर नहीं है। चलें गिरियाई कौन नहीं, कोई बात नहीं है, वेलफेयर कोई नहीं है। हाँ, सुख होना चाहिए, शांति होना चाहिए, किसी प्रकार महंगाई इतना है कि यहाँ पागल हो गए हैं सब, गरीबी है। अच्छा, सरकार जो राशन योजना के तहत सबको राशन दे रही है, वो उसका फायदा मिल रहा है? देखिए फायदा और नुकसान है। अच्छा। वो किस लिए दे रही है सरकार, क्या जरूरत है देने की? हम लोग जिस समय शुरुआत हुई कोरोना काल में, उस समय जी बताइए। देखिए बताइए ईशा ब्रदर, कि हम लोगों को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी हो, फैक्ट्री हो, रोजी रोजगार हो, वो दे सरकार तो उसको अच्छा है। हमको 1 किलो 5 किलो राशन दे के, गेहूँ या जौ दे के, और जिसके पास सबको दे रही है, और जिसके पास में खाने योग्य पूरा है वो जो है बेच रहे हैं, उसको बकरी खा रही है, उसका मुर्गी खा रही है, क्या फ़ायदा उसका? रोजगार होगा, शिक्षा होगी, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बाबू किताब लेना मुश्किल है, गैस इतना महंगा हो गया है कि बहुत महंगा है। नाम क्या है आपका? रवि प्रसाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं या कहीं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ आपकी दुकान है या बाजार में? नहीं, बस ऐसे ही बाजार में आए हैं घूमने टहलने के लिए। करते क्या हैं आप? जी कुछ भी नहीं, बस ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो है रोजगार के ऊपर ध्यान दे सरकार, और तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। जी, तो 2024 में क्या रोजगार एक मुद्दा बनेगा सरकार के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है भैया, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, तो इस मुद्दे के बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत पाएगी क्या लोकसभा का चुनाव? अगर रोजगार पर सरकार ध्यान देती है तो बिल्कुल आ सकती है। हाँ, क्योंकि युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और उनका भविष्य जो है बहुत अंधकार जा रहा है। अच्छा, स्थानीय समस्याओं की अगर हम बात करें इस इलाके की, तो वो आपको क्या नज़र आता है? नहीं, स्थानीय समस्या मतलब, और तो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो वो विकास की धारा यहाँ बही है या नहीं? नहीं भैया, वो विकास की धारा तो नहीं बही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मतलब वादे तो बहुत हैं लेकिन करना कुछ ऐसा जो आपके अंदर की पीड़ा हो वो हमारे माध्यम से। पीड़ा बस एक ही है कि सरकार जो है रोजगार पर ध्यान दे, बस यही एक पीड़ा है, और तो मान लीजिए सब कुछ ठीक ही है। सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। हमारा नाम रामभुज है। अच्छा, ये बताइए कि इस क्षेत्र में जहाँ पर हम हैं, ये ऐसा माना जाता है कि ये सपा का गढ़ है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल यहाँ पर तैयार हो रहा है? वो तो समय बताएगा, अभी अभी बहुत टाइम है। अच्छा, लेकिन जो पार्टियाँ हैं वो तैयारी अपना शुरू कर चुकी हैं? केवल भाजपा की तरफ से तैयारी है और लोगों की तरफ से अभी कुछ नहीं है। तो इस तैयारी का फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, अब स्थानीय स्तर की हम बात करते हैं कि
इस स्थान पर जहाँ पर हम हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत या स्थानीय स्तर पर लोगों की क्या समस्याएं हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर आम जनता हो, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या उसको फ़ायदा सरकार की तरफ से मिल रहा है और क्या वो अभी तक लाभ नहीं पा पा रहा है? देखिए, यहाँ के किसान जो हैं, जो किसान कृषि रक्षा इकाई से बीज खरीदे हैं, उनका नेट पर शो कर रहा है कि उनके खाते में सब्सिडी पहुंच गई, लेकिन पैसा खाते में नहीं आया है। अच्छा, तो ये किसी एक व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं या सभी किसानों के साथ ऐसा? नहीं, ये जो है मैं अपना खुद कह रहा हूँ। मैं बीज लिया हूँ, अभी तक सब्सिडी जो है वो नहीं आई है। क्या कह रहे हैं भैया? कृषि यंत्र जो ले रहे हैं उस पर सब्सिडी नहीं मिल रहा है लोगों को। हाँ, जैसे धान का थ्रेसर हमने लिया 2018 में, अभी तक सब्सिडी नहीं आया है। पंप सेट लिया, उसका सब्सिडी नहीं आया है। तो सब्सिडी ना आने का कारण कुछ आपको पता चला क्या अभी तक? नहीं, कह रहे सरकार जो है अभी उस पर वो ही नहीं कर रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अच्छा। जबकि सरकार का वादा है सब्सिडी देने का। तो ये तो समस्या है फिर? हाँ, समस्या तो ही है भाई, जो हमको जो हो कि सब्सिडी। बताइए क्या कह रहे हैं? एक समस्या ये है कि जो गांव में किसान मित्र नियुक्त होते थे, उनको सरकार की तरफ से 8-9 हज़ार रुपये मिलता था साल भर में। अब की बार वो भी नहीं मिला। पता नहीं कृषि अधिकारी उसको रख लिए, खा गए कि क्या हुआ, अब की बार वो नहीं मिला। अच्छा, तो ये जो समस्याएं हैं लोकल स्तर पे, इसको आपने अपने जनप्रतिनिधि से बताई, कुछ इसका समाधान करने के लिए कहा? जनप्रतिनिधि तो कभी दिखाई नहीं पड़ती है यहाँ। कौन है जानते हैं? अरे, क्या नाम, संगीता आजाद। अच्छा, यहाँ के सांसद हैं? हाँ, सांसद। किस पार्टी से हैं वो? वो बसपा से हैं। अच्छा, तो यहाँ कभी दिखाई नहीं दी हैं? कभी नहीं, केवल आती है उद्घाटन, कोई चीज़ बना है तो उद्घाटन की और बस चली गई। 5-6 लोगों को लेकर आती हैं, लड्डू उड्डू है, 5-6 लोग खा करके चली जाती। नहीं, यही मित्रपुर वाला रोड हुआ है। अच्छा, और विधायक जी कौन है यहाँ पे? यहाँ के विधायक अरुण नहीं है इस समय, रमाकांत है, वो तो जेल में बंद है। हाँ, वो रहते थे तो आते थे, 10-15 यहाँ पहुँचते थे बराबर। तो मतलब जनप्रतिनिधियों का जनता तक न पहुंच पाना ही तो नहीं इन सब बाधाओं का कारण है? अभी तो हम नहीं बता सकते भाई। सब्सिडी अगर नहीं मिल रही है या और भी समस्याएं, आप पहले तो अपनी बात रखिए और फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। हमारे साहब सारा पैसा जमा किए रहे, अभी तक ना मिले चाहत। हाँ, 16-17 साल हो गए। चलिए, ये तो मान लीजिए व्यक्तिगत आपकी समस्या है। इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके में आपको क्या लगता है कि विकास कार्य हो रहा है या नहीं? कुछ ना हो, तुम्हारा इलाका में बिल्कुल बेकार है। हमारे सबसे ये मित्रपुर ननेसर मिला के सब बेकार है, कोनो कुछ ना हो तो भैया। राशन मिल रहा है कि नहीं सरकार जो दे रही है? राशन तो मिलते हैं, राशन वो राशन दे संतों का स्वभाव है। अच्छा, राशन मिल रहा है तो फिर और किस चीज़ की उम्मीद है ये बताइए? राशन सरकार दे रही है, और क्या चीज़ें जनता को सुविधा के तौर पर मिलनी चाहिए? हाँ सर, यहाँ अगर खाद का सोसाइटी अगर यहाँ चले आए तो सबको फायदा होगा। अच्छा, जो किसान से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस इलाके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। और करीब करीब 8-9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अगर दोबारा नहीं मिलता उससे ज़्यादा तेल खर्च हो जाता है। तो अगर हमारी बाज़ार में आ जाता है तो सबको फायदा होता है। तो फिर वही सवाल आएगा कि क्या कभी अपने विधायक से या संसद से आपने ये कहा कि इस तरह की सुविधा हम लोगों को मुहैया कराई जाए? तो कभी नहीं कहा है। कभी उन्होंने सुना नहीं, आपने कहा नहीं? नहीं कहा नहीं हूँ। अच्छा, तो ये तो फिर आपकी गलती हुई। गलती जरूर है, लेकिन अब कम से कम जा आता है तो उधर वाले ले जाते हैं। सरकार आपका हक नहीं दे रही है या आपकी सुविधाएं आप तक नहीं पहुंचा पा रही है तो छीनना भी आपका अधिकार है, तो वो तो आप लड़ेंगे अपने हक के लिए ना। तो 2024 में आपको क्या लग रहा है कि कौन सरकार बना पाएगा? क्या बीजेपी तीसरी बार प्रधानमंत्री अपनी तरफ से देगी या कोई और पार्टी? हम यहाँ से नहीं बता पाएंगे, लेकिन बीजेपी आएगी।